हेलो डियर चिल्ड्रेन, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। दिस इज़ योर सब्जेक्ट टीचर ऑफ हिंदी फ्रॉम एलपीएम पब्लिक स्कूल सिचुएटेड एट कोलाबाजार गोरखपुर। स्टूडेंट, टुडेज क्लास वी गोइंग टू लर्न अबाउट नेक्स्ट मात्रा विच इज चंद्रबिंदु। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चंद्रबिंदु वाले शब्द। स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे आपको चंद्रबिंदु वाले, चंद्रबिंदु का सिंपल क्या है, सिंबल देखिए, इट इज़ द सिंबल ऑफ चंद्रबिंदु। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो शब्द है, सबसे पहला पिक्चर क्या है, जो पिक्चर है ये है आँख। आप आँख पे देख सकते हो चंद्रबिंदु हुआ है यूज, तो ये क्या हो गया, आँख। ओके, नहीं तो आँख होता। हम क्या पढ़ते हैं इसको, चंद्रबिंदु लगाने के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं इसको, आँख। ओके, नेक्स्ट है शब्द देखिए क्या है, चांद। ओके, आफ्टर दैट गाँव। ओके, सो चलिए और भी शब्द को पढ़ते हैं, समझिए और पढ़िए हम चंद्रबिंदु को कैसे यूज करते हैं शब्दों पे। तो चलिए स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं इसको। फर्स्ट शब्द क्या है चंद्रबिंदु वाला, यहाँ पे देखिए, हंसना, फंसना, धसना, टाकना, मांगना, हाफना, आंचल, आंगन, सांभर। चलिए फिर से पढ़ते हैं शब्दों को। चंद्रबिंदु वाले कौन कौन से शब्द हैं, हंसना, फंसना, धसना, टाकना, मांगना, हाफना, आंचल, आंगन, सांभर। ओके स्टूडेंट, सो यू हैव टू लर्न दिस वर्ड वन बाय वन। आपको क्या करना है, इन शब्दों को लर्न करना है। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, बोलिए और अंतर समझिए। आपको क्या करना है, बोलकर अंतर देखना है कि क्या है। पहले तो ये क्या है शब्द, यहाँ पे है पाव, क्या है, पाव। और जब चंद्रबिंदु का यूज हो तो क्या हो गया, पाँव। ठीक है, फिर है शब्द सांस, क्या है, सांस। और जब चंद्रबिंदु यूज हो तो क्या हो गया, सांस। ठीक है, नेक्स्ट है पूछ, पूछ और फिर पूंछ, कहा, कहाँ। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि जो चंद्रबिंदु वाले शब्द होते हैं, जो मात्रा होती है चंद्रबिंदु की, ये चंद्रबिंदु की मात्रा आप इसको किस पे यूज कर सकते हैं, आप सिर्फ इसको आ की मात्रा पे, ठीक है, आ की मात्रा के ऊपर एंड बड़ा ओ की मात्रा वाले शब्दों के ऊपर इसको यूज कर सकते हैं आप, और किसी के साथ इसको यूज नहीं कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आ की मात्रा वाले शब्द हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो ह है, ह में भी अ है, तो हंसना, फंसना और धसना पे है। यहाँ देखिए टाकना, अब ये जो खड़ी पाई है इसके ऊपर ये होगा यूज। मांगना पे आप देख सकते हो, हाफना पे देख सकते हो, आंचल, आंगन और सांभर पे देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है पूछ, पूछ हो, मूछ हो, ये सब बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द, जैसे आप पूछ पे देख रहे हो बड़ी ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पे आप चंद्रबिंदु यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे चलिए पढ़ने, आपको पढ़ना है ये स्टोरी, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। क्या है, नदी किनारे एक पेड़ था, स्टोरी का नाम है सांप और चिड़ा। ओके, सांप पर भी देखिए चंद्रबिंदु का शब्द है। ठीक है, सो सांप और चिड़ा, तो नदी किनारे एक पेड़ था, क्या था, पेड़ था, उस पेड़ पर चिड़िया और चिड़ा रहते थे। उस पेड़ पर कौन रहते थे, चिड़िया और चिड़ा रहते थे। उसी पेड़ के नीचे एक काला सांप भी रहता था। एक बार चिड़िया ने 5 अंडे दिए। एक दिन सांप पेड़ पर चढ़ गया, उसने घोंसले में झांका, वह एक अंडे को उठाने ही वाला था कि चिड़ा चिड़िया वहां आ गए। अब आप देख सकते हैं स्टोरी में, ये जो नदी है, नदी किनारे क्या है स्टूडेंट, नदी किनारे एक पेड़ है, और पेड़ पर कौन है, चिड़ा और चिड़िया रहते थे और उनके बच्चे थे। ठीक है, सो उसी पेड़ के नीचे कौन रहता था, एक सांप रहता था, काला सांप रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, जब चिड़ा चिड़िया बाहर गए थे तो क्या किया, सांप पेड़ पर चढ़कर आ गया, और उसने क्या किया, उसने सांप चिड़ा चिड़िया के घोंसले में झांका और उसको क्या दिखा, बहुत सारे अंडे दिखे जो उनके बच्चे थे चिड़ा और चिड़िया के। वो क्या करने वाला था, वो सांप उनमें से एक अंडे को जैसे उठाने वाला था, तभी क्या हुआ, चिड़ा और चिड़िया वहाँ आ गए। तो क्या हुआ, सांप उठा नहीं पाया, सांप वहाँ से भाग गया। ठीक है, सांप ने क्या किया, सांप वहाँ से भाग गया। अब चिड़िया और चिड़ा
अंडों से बच्चे निकलने तक परेशान और चिंतित थे। पहले स्टूडेंट आप लोग को पता है कि पहले क्या होते हैं, अंडे होते हैं और फिर अंडों में से बच्चे निकलते हैं, ठीक है। पक्षियों के पहले अंडे होते हैं और अंडे में से बच्चे निकलते हैं, तो बच्चे निकलने तक उनकी देखभाल करने के लिए चिड़िया और चिड़िया बहुत परेशान हो गए हैं कि क्या होगा अगर हम बाहर चले जाएंगे तो सांप फिर से आके हमारे बच्चों को खा लेगा। तो चिड़िया ने क्या कहा, चिड़िया ने कहा अब इस सांप को सबक सिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो चिड़िया जो था उसने सोचा कि हम ऐसे नहीं अगर कुछ करेंगे तो ये सांप हमारे बच्चों को खा जाएगा, तो उसने क्या किया, फिर वह उसने सोचा कहा कि अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा सांप को। और फिर वह सारी रात सोचता रहा, उसे एक तरकीब सूझी। क्या तरकीब सूझी, उसे एक आइडिया आया। नदी पर हर रोज रानी साची और उसकी सखियाँ नहाने आती थीं, ठीक है। एक रानी है जिनका नाम साची है, वो डेली उस नदी पर नहाने आती थी, ठीक है। तो चिड़िया नदी के किनारे पहुंचा, चिड़िया ने सांप को सबक सिखाने के लिए क्या तरकीब अपनाई, वो गया नदी के किनारे और उसने रानी की मोतियों वाला कीमती हार उठाकर सांप के बिल में डाल दिया। उसने क्या किया, रानी के हार को उठाकर, जो सबसे कीमती हार था मोतियों वाला, उसे उठाकर उसने सांप के बिल में डाल दिया, ठीक है। अब जब क्या हुआ, जब रानी साची और उसकी सखियाँ नहाकर निकली तो रानी ने यहाँ वहाँ देखा, उसे हार कहीं दिखाई नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि चिड़िया ने तो उसको उठाकर सांप के बिल में डाल दिया था। तो रानी जब ढूंढने लगी तो उसे अपना कहीं दिखाई नहीं दिया हार। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिपाहियों से कहा देखो मेरा हार कहाँ गया, यहाँ पर ज़रूर कोई है, आसपास ढूंढो। उन्होंने कहा अपने सिपाहियों को जाओ ढूंढो। तो सिपाही देखी क्या किए, सिपाही जो हैं हार ढूंढते हुए सांप के बिल के पास पहुँचे, ठीक है, सांप के बिल के पास पहुँचे। वहाँ हार का कुछ भाग बाहर दिखाई दे रहा था, क्योंकि चिड़िया ने उसको ऐसे रखा था कि वो दिखाई दे। वे सांप के बिल से हार निकालने लगे, उन्होंने क्या किया, सांप के बिल से हार बाहर निकालने लगे। तभी क्या हुआ, तभी सांप ने अपना मुंह बाहर निकाला, सिपाहियों ने उसे पकड़कर टोकरी में बंद कर दिया। अब जो सांप था उसे तो कुछ पता ही नहीं था, उसने अपना मुंह जैसे ही बाहर निकाला तो सिपाहियों ने क्या किया, सिपाहियों ने उसे पकड़कर टोकरी में बंद कर दिया और उसे वो क्या किए, उसे ले जाकर एक सपेरे को दे आए, ठीक है। उन्होंने उस सांप को एक टोकरी में बंद करके एक सपेरे को दे आया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, उधर चिड़िया और चिड़िया दूर से सब देख रहे थे, क्योंकि ये काम तो उन्होंने ही किया था, चिड़िया ने ही किया था। तो वो उधर चिड़िया और चिड़िया दूर से सब देख रहे थे, वे खुश होकर चू चू ची ची करने लगे। अब जब भी सपेरा सांप को नचाता चिड़िया और चिड़िया खुश होते। चिड़िया जो सांप था वो तो उनके बच्चों को खाना चाहता था, लेकिन जो चिड़िया था उसने तरकीब सोची और उसने क्या किया, रानी के हार को उसके बिल में डाल दिया। तो जब सिपाही ढूंढते हुए उसके बिल के पास गए तो सांप जैसे ही अपना मुंह बाहर करके आया, उन्होंने क्या किया, सांप को पकड़कर टोकरी में बंद कर दिया और टोकरी को सपेरे को दे आए। और सपेरा क्या कर रहा था, सपेरा जब भी उसे नाचना चाहता बीन बजाकर, तो चिड़िया और चिड़िया पेड़ पर बैठकर दूर से सब देखती और खुश होती, ठीक है। सो चलिए स्टूडेंट आइए अभ्यास करें, चलिए हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, ओके। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, पहले चित्र देखकर उत्तर दीजिए। चलिए हम चित्र देखकर उत्तर देते हैं। नंबर क क्या है, नदी किनारे क्या था, तो यहाँ चित्र देखिए क्या है, पेड़। तो नदी किनारे एक पेड़ था, तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ, पेड़, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पर कौन चढ़ गया, पेड़ पर एक काला सांप चढ़ गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सिपाहियों ने सांप को किस में बंद कर दिया, तो हमने अभी पढ़ा सिपाहियों ने सांप को टोकरी, ये पिक्चर आप देख सकते हैं, टोकरी है, तो हम लिखेंगे टोकरी में बंद कर दिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर घ, सिपाही सांप के बिल से क्या निकालने लगे, तो स्टूडेंट सिपाही साहब के बिल से रानी साची का हार निकाल रहे थे, तो ये देखिए क्या है, हार, तो हम लिखेंगे हार, ओके स्टूडेंट। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सही जगह पर चंद्रबिंदु लगाइए, ओके। तो आप लोग को पता है चंद्रबिंदु हम कहाँ लगाते हैं, आ की मात्रा वाले पे, ठीक है। तो चलिए आ की मात्रा और बड़ी की मात्रा वाले शब्दों पे, तो चलिए यहाँ पे काच हो गया, अब छटाई छ पे लगाएंगे हम, यहाँ पे गाठ, काटा, भवरा, जचना, तालिया, मांगना, सूंड, दांत, लाइक दिस वी हैव टू पुटिंग चंद्रबिंदु वाली मात्रा, ओके। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थर्ड, देखिए बोलिए और सही शब्द पर निशान लगाइए, स्टूडेंट बोलकर आपको सही शब्द पर निशान लगाना है, ऊट, ऊट कैसे राइट होता है, तो देखिए
उड फर्स्ट सही है, ठीक है। सेकंड छाँव, थर्ड कुआं, फोर्थ हंसना। लाइक दिस वी हैव टू टेक द करेक्ट शब्दों के, हम सही शब्दों को टिक करेंगे। नाउ स्टूडेंट कम टू द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, आइए बातचीत करें। क्या बातचीत करना है, अगर आप चिड़िया और चिड़िया की जगह होते तो सांप से बदला लेने के लिए क्या करते। सो स्टूडेंट आप भी वही करते जो उन्होंने तरकीब निकाली सांप को सबक सिखाने के लिए, उन्हें जो अच्छा लगा उन्होंने किया, और हम भी उनकी जगह होते तो हम भी ऐसा ही करते। सो चलिए अब नेक्स्ट है आइए कुछ करें। सो चांद के चित्र बनाइए। स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपको चांद आप सबने देखा है तो चांद के आपको चित्र बनाने, बट आपको चित्र बनाना कैसा, एक आधा चांद बनाना है, एक पूरा चांद बनाना है। आधा मतलब चांद का सिर्फ आधा हिस्सा जो आप ऐसे बनाएंगे, और चांद का पूरा हिस्सा कैसे बनाएंगे, मीन्स चांद तो पूरा गोल होता है लेकिन जब वो आधा होता है तो वो ऐसे हो जाता है, ठीक है। सो यू हैव टू ड्रॉ चांद का आधा हिस्सा और पूरा, आधा चांद और पूरा चांद। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस स्टोरी। सो स्टूडेंट यू हैव टू रीड एंड लर्न दिस स्टोरी, क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस एक्सरसाइज चैप्टर, ओके, एंड ऑल्सो लर्न द चंद्रबिंदु वाले शब्द। ओके स्टूडेंट आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।